आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के तार आतंकवादियों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मामले की गहन जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस उसकी मदद करने वाले लोगों की धर पकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। तो वही पुलिस के हाथ मुर्तजा के दो साथी भी लगे हैं। इसी के साथ यूपी एटीएस की टीम जांच के आधार पर मुंबई के लिए रवाना हुई और अब यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। बताते चले कि मुंबई में आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी का परिवार रहता है। हालांकि मुर्तजा पिछले 3 साल से अपने परिवार वालों से नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बुजुर्ग पति अपनी बीमार पत्नी को धूप में ठेले पर लेटाकर अस्पताल ले जाता है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सुकल प्रजापति ने बताया है कि उनके पास कोई मोबाइल भी नहीं है। वो हमेशा की तरह इस बार भी बिना एम्बुलेंस बुलाए अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सालय ले गए। मामला यह है कि उनकी पत्नी का शुगर का रोगी था और उन्होंने जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपने ठेले पर लाद के अस्पताल ले जा रहे थे। वो उनके पास बहुत गरीबी है, वो बकरी पालन करते हैं, बकरी पालन से अपना दिनचर्या चलाते हैं। उनके 4-5 लड़के हैं और वो भी मजदूरी का काम करते हैं। 4-5 लड़के? हाँ, पांचों लोग अलग हैं उनसे। राति खाले तनी मन दे वही दुखाए लगल। सवेरे हम उठली ठेला से अपना चिलिकहर अस्पताल में ले गई। आ राय साहब देखल कहतन कि ना पर्ची बनौल आ ना उठू कैल कमर में एगो सुई दीहलन आ कहल कि तू बलिया लेके चल जा। तब हम ठेला से ले आके आ पियरिया ठेला खड़ा करके आ घरे आके आ मोबाइल नंबर आ पैसा आ कपड़ा पहिर के हम टेम्पू जात रहे बलिया तो सड़क पर से हम जाके अस्पताल में भर्ती करा दे टेम्पू से गई। संज्ञान में आते ही मैंने वो तस्वीर और जितने भी डिटेल उपलब्ध थे वो हमने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है और उनसे आख्या मांगी है। थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उसमें मरीज का नाम नहीं है और गांव का भी नाम नहीं है, इसलिए पता करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का फायदा लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कुछ जिलों में कागजों पर चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इस फैसले को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही साथ मदरसों के अंदर में राष्ट्रगान को भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं इस मामले को लेकर मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने प्राइम टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। 37 साल के मिथक तोड़कर योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आसीन हो चुकी है। वहीं इस बार जो सरकार है उसमें मंत्रियों को आदेश दिए गए हैं कि वो 100 दिन में अपने काम का खाका तैयार करेंगे। इसी क्रम में 7,442 मदरसों की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ अगर कहीं कोई गलती होगी तो उनपे कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में हमारे साथ मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब मौजूद हैं। सर, इस नजर जो ये फरमान आया है कि 7,400 कुछ मदरसों की जांच की जाएगी, किस नजर से देखते हैं इसको? बहुत अच्छी नजर से देखते हैं। देखिए, केंद्रांश और राज्यांश वाले मदरसे हैं, मॉडर्न एजुकेशन जिसे आप कहेंगे, कंप्यूटर वाले, ये कुछ मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ मदरसों के लिए शिकायत आई, अमरोहा था, शफीपुर उन्नाव था, बल्लामपुर था, गोंडा था, कुछ ज़िले हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन और अधिकारी ज़िलों में जाते हैं तो शिकायतें सुनते हैं, तो शिकायतों के आधार पर ये जानकारी आई तो उनकी जांच कराई गई। मानक उनके पूरे थे, 2-3 महीने उन्हें पढ़ाया भी, उसके बाद कुछ मदरसों ने पढ़ाना बंद कर दिया। उन बच्चों से मिले तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं बुलाया जा रहा, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है।
तो जब ये शिकायतें आई तो शिकायतों के आधार पर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है और उस सपने को साकार भी हम लोग कर रहे हैं, और उनके पैसे से, भारत सरकार के, राज्य सरकार के पैसे से जो मदरसे चल रहे हैं, हर बच्चा को शिक्षा मिले और हर बच्चे पे शिक्षा अनिवार्य हो, इस पे राष्ट्रगान को मदरसों के अंदर में अनिवार्य कर दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए राष्ट्रगान 15 अगस्त 26 जनवरी को हो रहा था, कहीं कहीं मदरसों में भी हो रहा था। तो जब हम लोगों ने ये बात करी कि दुआ के बाद राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया जाए, तो मदरसों ने उस बात को मान लिया। जागरूकता की कमी थी, उन लोगों ने उस बात को माना और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के फैसले को सर आंखों पे लिया। कहीं कहीं पे जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो जानकारी उनको मिल गई, वो चालू, कहीं कोई विवाद नहीं, क्योंकि राष्ट्र से जुड़ा मसला है और राष्ट्रगान हो रहा सब जगह। अच्छा, वही कहा जा रहा है कि जो जांच में साफ नजर आएंगे उन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और मॉडर्न क्लास बनाने की बात कही जा रही है, तो इससे बच्चों को कहां तक लाभ होगा? मुख्यधारा में आएंगे, ISPCS आएंगे, हम माननीय मोदी जी, योगी को सलाम करते हैं आपके माध्यम से। हमारी कौम आगे बढ़ रही है ना, हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। कट्टरता खत्म होती है ना एजुकेशन जब आती है, तो कहीं भी किसी भी समाज में आप देख लें कट्टरता होती है, तो क्योंकि जब इल्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, उत्तेजना होगी। जब ज्ञान होगा, तो जब ज्ञान होगा तो सबके साथ हम इंसाफ करेंगे। एजुकेशन मस्ट है और प्रधानमंत्री जी की हम सराहना करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आपके माध्यम से। हमारे साथ मौजूद थे कमर अली साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता में बदलाव होगा, साथ ही साथ मदरसों के जांच के बाद जो स्मार्ट क्लास और मॉडर्न क्लास बनाने की बात कही जा रही है, उससे कहीं ना कहीं कट्टरता है वो खत्म होगी। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर देवरिया से है, जहां जिला प्रशासन ने यूपी बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में बलिया जनपद के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह जनपदों में आक्रोश देखने को मिला और दर्जनों की संख्या में पत्रकारों ने सड़क पर उतरकर बलिया प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पत्रकारों की ओर से मांग की गई कि बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार की जल्द से जल्द रिहाई की जाए, नहीं तो पूरे प्रदेश में पत्रकार द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध कराया जाएगा। वहाँ के तानाशाह जिलाधिकारी द्वारा जेल भेजे जाने के खिलाफ हम लोग संयुक्त पत्रकार मोर्चा के बैनर तले आज यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। हमारी मांग है कि तीनों पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए और बलिया के DMSP के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। आप लोगों ने एक समग्र समेकित रूप से ज्ञापन दिया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को हम आज ही भिजवा देंगे। इसके अतिरिक्त और कोई टिप्पणी हमारी? हिंदू महासभा ने आज अलीगढ़ में 2022 का एक विवादित कैलेंडर जारी किया, जिसको जारी करने के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने बताया कि बीते वर्ष हमने कैलेंडर जारी किया था, उसमें हमें सफलता मिली थी। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर में निर्माण कराया जा रहा है, ऐसी ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, ताजमहल को तेजो महल मंदिर और मुसलमानों के प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का को मक्केश्वर महादेव मंदिर के रूप में परिवर्तित कराया जाना चाहिए। जब पहले जारी किया था तो हमें सफलता मिली, हमारा श्रीराम मंदिर जो भूमि थी, जो विवादित स्थल था, उसको हमें कानूनी रूप से हमें सफलता मिली, सभी सनातियों की विजय हुई और हमारे भगवान जी वहां पर फिर से स्थापित होने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में संघर्षरत होने के बाद हमने और साक्ष्य लेकर के इस समय मक्केश्वर महादेव, जो कि मक्का मदीना के नाम से जाने जाते हैं, उन धरोहरों को भी विजय प्राप्त करनी है। हमारे ताजमहल, जो हमारा तेजो महाशिवालय है, उस पर हमें अपना जाना है और श्री कृष्ण जन्मभूमि, भोशाला, ऐसे हमने 6 धरोहरों को फिर से आप सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर संघर्ष करके कानूनी और विधिक तरीके से हमें फिर से विजय हासिल करनी है। उसके लिए हमें संघर्ष करना, वही जो है हमने कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले धर्म रक्षार्थ हेतु मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और हिंदू महासभा की ओर से इस कैलेंडर को लॉन्च करके सभी युवाओं को उस इतिहास से साक्षात्कार करवाने का प्रयास किया है, जो वो जानते ही नहीं है या धर्म निरपेक्षता के पर्दे में।
जौनपुर में दिन दहाड़े दबंगों ने जमकर गोली चलाई। वारदात में चार लोग घायल हुए हैं, जिसमें दो लोग गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक ने बताया कि अगले दिन बिशुनपुर गांव के लड़के शराब गांजा पीकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे। वहीं इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मामला हमारे गांव में एक मंदिर है, वहां लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने। वो लोग वहां आके बैठते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और छेड़ते हैं महिलाओं को। कई महिलाएं शिकायत करने पर हम लोग उनसे बोले कि भैया यहां मत आया करो, आप आते हो पूजा के समय मत आया करो। वो लोग गाली गलौज देने लगे और हम लोग लगभग कितने लोग घायल हैं? चार लोग घायल हैं। आपको गोली कहाँ लगी है? हमारे पैर में लगी है, आप तो स्वयं देख रहे हो ना। क्या नाम है आपका? विकास कुमार यादव। तो जब हम उन लोग से बोले भैया हम पुलिस में शिकायत कर देंगे, तो वो बोले पुलिस तो हमारा कुछ कर नहीं सकती, ऐसा धमकी देने लगे। हम लोग बोले ठीक है हम शिकायत कर देंगे, देखेगी कि नहीं देखेगी हम नहीं जानते। इस मंदिर पर बिशुनपुर के कुछ लड़के आकर के यहाँ पर नशे का सेवन करते थे। इस बात को मसीदा के लड़के मना करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर बिशुनपुर के लड़कों ने आज अपने और लड़कों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ मसीदा गांव के लड़कों से उनका झगड़ा हुआ। इसी दरमियान बिशुनपुर के कुछ लड़कों ने यहाँ के लोगों पर फायर कर दी और फायरिंग में अभी तक दो लोगों को फायर आर्म की चोटें तस्दीक हुई। और इस घटनाक्रम में जो पीड़ित विकास इत्यादि हैं उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है, उस पर अभी तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और इस घटनाक्रम में जो भी लोग दोषी है उनको उनके विरुद्ध कठोर। खबर अयोध्या से है, जहां पर कैंट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें 30 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। एक यात्री को नाजुक हालत में लखनऊ रेफर किया गया। अयोध्या डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक दिल्ली से एक प्राइवेट बस सिद्धार्थ नगर जा रही थी, तभी कैंट थाना क्षेत्र में मुमताज नगर के पास फ्लाईओवर पर चढ़ते ही ओवरटेक करने के फेर में रेलिंग से टकरा गई और पलट गई। सरकार ने तीनों मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। ये राजस्थान नंबर की बस थी, ये दिल्ली से बासी जा रही थी सिद्धार्थ नगर के लिए। इसमें ज्यादातर पैसेंजर जो बस थी और सिद्धार्थ नगर के थे, और जैसा कि आपको एसएसपी साहब ने बताया कि 3 डेथ हुए हैं और 11 घायल थे, उसमें एक घायल को रेफर किया गया है केजीएमसी और 10 का यहाँ इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में और ये लोग ठीक होने की स्थिति में है लगभग। और यहाँ पे ALS वगैरह भी सब लगा हुआ था और सब व्यवस्था ठीक है यहाँ पे और सभी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है यहाँ पे। दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की है और थाना कैंट क्षेत्र में मुमताज नगर के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई। जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर हैं उनसे बातचीत में जो पता चला है उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो बस पलट गई। तत्काल वहाँ पे पुलिस टीम और मेडिकल टीम वहाँ पहुँची, घायल जो हैं उनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया और एक जो उसमें से सीवियरली इंजर्ड था। खबर बदायूं से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वही घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही आसपास के लोगों से वार्ता कर जानकारी भी ली। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। धर्मेंद्र गुप्ता जी अपनी दुकान पर आए थे और मोटरसाइकिल में उनका थैला टंगा हुआ था जिसमें 5 लाख रुपए थे और अखबार लेने के लिए जब वो तखार की तरफ गए उसी दौरान वो युवक मोटरसाइकिल से आया और उनका थैला लेकर के चले गए। इस संदर्भ में उन्होंने थाने पे अभियोग दी है और अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
खबर रायबरेली से है, जहां लिच्छत पापड़ का कारखाना बंद होने से लगभग 300 महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। सभी महिलाओं में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं बताया जा रहा है कि महिला गृह उद्योग का कार्य पिछले 2006 से चल रहा है और इस उद्योग से लगभग 300 महिलाओं का घर चल रहा था। बता दें कि मोहल्ले वासियों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा। खबर गाजियाबाद के राजनगर से है, जहां जिला मुख्यालय के बाहर सर्विस रोड पर गाड़ी खड़े करने से आए दिन मुख्यालय के बाहर लंबा जाम लग जाता है, जबकि यहां पर डीएम एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों के दफ्तर भी हैं। सर्विस रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारों से अधिकारियों को भी परेशानी होती है। तो वहीं इस मामले को लेकर एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने कहा कि निगम और जीडीए को कई बार इस मामले को लेकर लिखित शिकायत भी दी गई है, लेकिन किसी ने इस मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया। सर, गाजियाबाद के अंदर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं गाजियाबाद में समय की जा रही है? देखिए, इस समय जो कि NH9 खुलने से थोड़ा ट्रैफिक लोड अंदर का तो कम हुआ है, लेकिन टोल लगने से फिर पब्लिक अंदर से जाने लगी है। दूसरा, उधर सिकरी मेला के चलने के कारण उधर ट्रैफिक लोड ज़्यादा है और इसके लिए हम लोग कुछ डाइवर्जन प्लान बना रहे हैं और बाकी हर पॉइंटों पर हमारी ट्रैफिक ड्यूटी भी लगी हुई है। आपके राजनगर एक्सटेंशन पे इसमें ट्रैफिक लोड ज़्यादा चल रहा है, जिससे बहुत सारे नौशक कट है, उस कट को बंद कराने के लिए और जो डिवाइडर है, डिवाइडर पर लोग पर जो डिवाइडर का जो हमने कम ऊँचा है उस पर लोग गाड़ी अपना क्रॉस करते हैं, इसकी वजह से भी जाम लगता है, इसको लोग डिवाइडर को और ऊँचा करने। खबर अलीगढ़ से है, जहां सिविल लाइन थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की पत्नी को बेटी पैदा होने पर पत्नी ने ससुराल जनों पर पति पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता का कहना है कि बेटी पैदा होने के बाद ससुराली जनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मेरी शादी 29 दिसंबर 2019 में हुई थी, जो इस समय चौकी इंचार्ज नौशाद अली खान अलीगढ़ मेडिकल चौकी इंचार्ज है, उनके साथ मेरे पापा ने जो भी शादी में दान दहेज जो भी देना होता है वो सब दिया था, 40 लाख रुपए खर्च किए थे लगभग। लेकिन उन्होंने अब मेरे को, मेरी एक बेटी हो गई तो बेटी के चक्कर में ससुराल वालों ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। मैं ससुराल में थी और ससुराल में रहते हुए भी इन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ और बहुत ज़्यादा मारपीट मेरे जेठ वगैरह ने और सब लोगों ने गाली गलौज गंदी देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मैं वहाँ पे रहती थी तो मैं अगर कहती थी कि अम्मी, अपनी सास से कि अम्मी ये लोग मुझे इतना मारपीट करते हैं, तो मेरी सास कहती थी अगर इस घर में। कन्नौज पुलिस को सफलता हाथ लगी है, जहां लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों को देर रात मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों के ऊपर मोबाइल टावरों से रंगदारी वसूलने और भाजपा नेता को धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इन बदमाशों के साथियों की तलाश भी की जा रही है। जनपद कन्नौज के थाना सौरी क्षेत्र में पिछले दिनों दो घटनाएं सामने आई थी। एक घटना थी जो मोबाइल टावर हैं उनसे रंगदारी मांगने का प्रयास हुआ था और इसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य को जान से मारने का प्रयास हुआ था। इन दोनों ही घटनाओं में जो गैंग था पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस गैंग का सरगना राहुल यादव है, जो एक हिस्ट्री सीटर है और थाने का टॉप 10 अपराधी भी है। इसके दो साथी प्रमोद कुमार और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से दो अवैध तमंचे मिले हैं। इसके अलावा जो भी इस गैंग के अन्य जो वांछित हैं उनमें मोहित यादव, सौरभ और अन्य। खबर देवरिया से है, जहां नवरात्र और रमजान के त्योहार के चलते शांति और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र के साथ भारी पुलिस बल तैनात रही और क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाली जगह पर गश्त करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं इस दौरान शराब की दुकानों की चेकिंग करते हुए उनके स्टॉक और दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।